नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत कर रहा हूँ एस्कॉर्ट्स ऑनलाइन ट्रेनिंग के अंदर ट्रैक्टर टेक्नोलॉजी सीरीज। जैसे कि दोस्तों आपने पिछले एपिसोड में आपने देखा इंजन टेक्नोलॉजी, क्लच टेक्नोलॉजी, गेयरबॉक्स टेक्नोलॉजी, स्टीयरिंग टेक्नोलॉजी, हाइड्रोलिक्स टेक्नोलॉजी और रिडक्शन टेक्नोलॉजी। आखिरी जो हमारा एपिसोड है वो है पीटीओ टेक्नोलॉजी के ऊपर। पीटीओ का मतलब है पावर टेक ऑफ शाफ्ट। इसका मतलब आप ट्रैक्टर से पावर बाहर निकाल सकते हो और पीटीओ चालित सारे उपकरण चला सकते हो। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने बात किया था, आप ट्रैक्टर की ताकत को इस्तेमाल कर सकते हो ड्राइविंग व्हील से ट्रैक्टर को आगे बढ़ाने के लिए, हाइड्रोलिक्स में हाइड्रोलिक्स थ्री पॉइंट लिंकेज से जो उपकरण को आप चला सकते हो, और जो तीसरा तरीका था वो है पीटीओ से। आज हम चर्चा करेंगे ये पावर टेक ऑफ शाफ्ट से क्या फ़ायदा है, कौन कौन सी उपकरण चला सकते हैं और पावर टेक ऑफ शाफ्ट में कौन कौन सी क्लासिफिकेशन उपलब्ध है। तो पहले देखेंगे पावर टेक ऑफ शाफ्ट से क्या फ़ायदा है। जैसे कि थ्रेशर हो गया, रीपर हो गया, अल्टरनेटर हो गया, पोस्ट होल डिगर हो गया, मल्टी क्रॉप थ्रेशर हो गया, रोटोवेटर या रोटो पडलर हो गया, या जनरेटर हो गया, या कोई पंप हो गया। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जो पीटीओ से चलते हैं। तो पहले ये समझ लें कि ये पीटीओ काम कैसे करता है। जैसे कि आपके पिक्चर में दर्शाया गया, इंजन से जो ताकत पैदा होती है वो पहले गियरबॉक्स में जाता है, गियरबॉक्स से डायरेक्ट जो नीचे वाला शाफ्ट है काउंटर शाफ्ट जो फार्म ट्रैक पावर ट्रैक ट्रैक्टर में होता है वो डायरेक्ट पीटीओ शाफ्ट को कनेक्टेड होता है, और पीटीओ शाफ्ट पावर को बाहर 540 चक्कर में दे देता है। पीटीओ क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो ये तीन प्रकार से आप इसको क्लासिफाई कर सकते हो। पहला जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड ऑन स्प्लाइंस हो गया, दूसरा है वो बेस्ड ऑन स्पीड हो गया, और तीसरा जो है वो बेस्ड ऑन ऑपरेशन हो गया। तो पहला बेस्ड ऑन स्प्लाइंस की बात करें तो आपको शाफ्ट मार्केट में 6 स्प्लाइंस वाले भी ट्रैक्टर मिलते हैं, 21 स्प्लाइंस वाले भी ट्रैक्टर मिलते हैं, और दूसरा जो है आपको बहुत सारे ट्रैक्टरों में 1000 की आरपीएम मिलते हैं पीटीओ की, बहुत से ट्रैक्टरों में 540 और बहुत सारे ट्रैक्टरों में 540 और 1000 दोनों ही मिलते हैं। इसको हम बोलते हैं ड्यूल पीटीओ। और जो है ड्यूल स्पीड है, मगर इसमें जो स्पीड है 540 है और दूसरा जो है 540 ई है। ई का मतलब इकोनॉमी हो गया। और पांचवा जो है मल्टी स्पीड रिवर्स पीटीओ, और लास्ट में जो है वो है ग्राउंड स्पीड पीटीओ। ये सारे ही स्पीड्स हम आने वाले स्लाइड्स में डिटेल में चर्चा करेंगे। और जो तीसरा क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन ऑपरेशन है, ट्रांसमिशन पीटीओ, लाइव पीटीओ और इंडिपेंडेंट पीटीओ। तो पहले हम चर्चा करेंगे स्प्लाइंस के ऊपर कैसे ये पीटीओ क्लासिफाई होता है। जैसे कि पिक्चर में दर्शाया गया, आप देख सकते हो ये जो शाफ्ट है पीटीओ शाफ्ट, ये बाहर आता है, यहाँ से आप इसकी ताकत इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ जो स्प्लाइंस आप गिनोगे 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 स्प्लाइंस वाली शाफ्ट होती है, इससे आप 540 चक्कर प्राप्त कर सकते हो। वही चीज़ कुछ ट्रैक्टरों में ये 21 स्प्लाइंस वाली शाफ्ट निकलती है, और ये होता है 1000 RPM, मतलब 1000 पीटीओ के चक्कर इससे स्टैंडर्ड मिलते हैं, इसलिए ये 21 स्प्लाइन वाले होते हैं। अगर आप जानना चाहोगे आजकल लेटेस्ट ट्रैक्टरों में कौन सा शाफ्ट चलता है, वो है 6 स्प्लाइन वाला। जो 21 स्प्लाइन वाला ऑलमोस्ट मार्केट से आउटडेट हो गया है, अभी बहुत ही कम ट्रैक्टर कंपनियां ये अपने ट्रैक्टरों में देते हैं। अभी हम बात करेंगे बेस्ड ऑन स्पीड कैसे पीटीयू को क्लासिफाई करते हैं। 540 और 1000 आपको मालूम पड़ गया, अभी हम बात करेंगे ड्यूल स्पीड क्या होता है और इससे कैसे फ़ायदे आप उठा सकते हो। जैसे स्क्रीन में दर्शाया गया है, एक ही पीटीओ के अंदर आप दोनों ही स्पीड प्राप्त कर सकते हो। कैसे? जैसे कि ये जो लीवर है, पीटीओ सिलेक्शन लीवर हम जो बोलते हैं, ये ड्राइवर की लेफ्ट हैंड साइड होता है नीचे। जब ये लीवर को आप ट्रैक्टर की आगे की तरफ करोगे तो 540 चक्कर आपको पीटीओ में प्राप्त होते हैं स्पीड। वही लीवर आप बीच में करोगे तो न्यूट्रल हो जाता है, वही लीवर आप पीछे की तरफ करते हो तो 1000 RPM पीटीओ में प्राप्त हो जाते हैं। तो एक ही पीटीओ में आपको दो स्पीड प्राप्त होते हैं, इसलिए इसको ड्यूअल स्पीड पीटीओ कहा जाता है। वही चीज ड्यूअल स्पीड पीटीओ के अंदर कुछ ट्रैक्टरों में आपको
एक तरफ 540 और एक तरफ 540 ई मिलते हैं। जैसे कि वही लीवर आप आगे की तरफ करोगे, 540 ई माने इकोनॉमिक पीटीओ। इसका मतलब आप जानना चाहोगे तो पीटीओ के अंदर 540 ही मिलेंगे, मगर इंजन के जो चक्कर हैं, इंजन के जो आरपीएम है या रेज है, वो 1380 में आपको पूरा 540 मिलेंगे। वही ट्रैक्टर में जब आप इस तरफ करोगे तो 540 चक्कर 1810 में मिलते हैं। तो इसमें फर्क क्या है? आप सोच रहे होंगे कि मैं यही इस्तेमाल करूंगा जिससे क्या है तेल की खपत कम होती है और पूरा 540 चक्कर मिलते हैं। हाँ, मगर जैसे कि इंजन चक्कर कम हो जाते हैं तो इंजन से जो एचपी पैदा होता है वो भी कम होने लगता है। तो ये जो 540E इकोनॉमिक पीटीओ है, ये लाइट लोड में, जैसे कि अल्टरनेटर पंप जिसमें लोड एक जैसा है या कम लोड है, उसमें ये आप इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, तेल भी बचा सकते हो, मगर जहाँ पर लोड ज़्यादा है, जैसे कि थ्रेशर हो गया, रीपर हो गया, रोटोवेटर हो गया, उनमें आपको नॉर्मल पीटीओ का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। आइए इस पीटीओ को ट्रैक्टर के ऊपर चला के देखें कैसे ये काम करता है और कैसे इसको इस्तेमाल सही तरीके से आप कर सकते हो। जो पीटीओ है, आइए इधर मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। अगर सोचिए आपको 540 चक्कर चाहिए तो पहले आपको क्लच दबानी होगी और इसको बोलते हैं पीटीओ सिलेक्शन लीवर। इसको आगे की तरफ ऐसे करोगे, 540 चक्कर आपको पीछे पीटीओ में मिलने चालू हो जाएंगे। और जब मैं यही लीवर को पीछे की तरफ करूँगा तो 1000 की तरफ, तो पीटीओ में 1000 पीटीओ के चक्कर मिलने चालू हो जाएंगे। तो इस प्लेट को आप देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ भी है 540 और 1000 आरपीएम। तो जैसे आप लीवर जिस स्पीड की तरफ एंगेज करते हो वो स्पीड आपको प्राप्त हो जाती है। तो जैसे कि मैंने बताया, इस ट्रैक्टर के अंदर ड्यूअल स्पीड पीटीओ है, स्पीड मिलेगी। तो ये जो आप स्टिकर देख रहे हो, ये इम्प्लीमेंट सिलेक्शन चार्ट है। तो इसके अंदर यहाँ हरे रंग में जो दिखाए जा रहे हैं, 540 पीटीओ के चक्कर एट द रेट 1840 ERPM, इसका मतलब है अगर आपको पीटीओ के 540 चक्कर चाहिए तो इंजन का स्पीड जो है 1840 रखोगे तो आपको 540 उपलब्ध होंगे। अगर आपको 1000 RPM के पीटीओ के स्पीड चाहिए तो 2150 इंजन के स्पीड चक्कर रखोगे तो आपको 1000 RPM उपलब्ध हो जाएंगे। तो ये चार्ट आपको बताएगी कि कौन सा उपकरण, कौन से गियर में, कौन से उपकरण के लिए चलाना है, वो जानकारी भी देती है। अभी ये फीचर आपको खड़े खड़े ट्रैक्टर में दिखाना होगा, तो इसमें आप कैसे दिखाओगे? बहुत सिंपल है, ट्रैक्टर चालू करोगे, फिर क्लच दबा के इस लीवर को 540 एक बार सिलेक्ट करोगे। वहाँ ध्यान रहे पीटीओ की जो कैप है उसको खोल के रखना, ताकि किसान भाई उसको पीटीओ को घूमते हुए उसकी स्पीड अलग अलग दिखती हुई दिखनी चाहिए उसको, ठीक है जी। तो अभी मैं दर्शाना चाहूँगा ट्रैक्टर चालू करके दोनों स्पीड कैसे आप प्राप्त कर सकते हो। तो पहले मैं क्लच दबा के ट्रैक्टर चालू कर रहा हूँ, दोनों गियर न्यूट्रल है, पीटीओ लीवर को आगे की तरफ कर रहा हूँ, तो इंजन आरपीएम 1840 रख रहा हूँ और पीटीओ में पीछे आपको 540 मिल रहे हैं। देखिएगा 40 चक्कर आपको प्राप्त हो रहे हैं। अभी देखिए 1000 RPM के लिए मैं पीटीओ लीवर को पीछे की तरफ कर रहा हूँ और इंजन के चक्कर 2150 दे रहा हूँ। और पीछे देखिए आपको पीटीओ के RPM 1000 प्राप्त होने चालू हो गए। तो जैसे पीटीओ तेज घूमने लगा, मतलब 1000 RPM आपको मिलेंगे इसमें। दोस्तों अभी आप सोच रहे होंगे ये डुअल स्पीड पीटीओ का फायदा क्या है, 540 और 1000। हाँ, तो 540 चक्कर तो आपको हर एक ट्रैक्टर में उपलब्ध हो ही जाता है, जिससे मार्केट में मिलने वाले साधारण सारे उपकरण चल ही जाते हैं, मगर ये 1000 RPM का फ़ायदा क्या है अभी मैं बताता हूँ। सोचिए अगर आपको इसी पीटीओ से 540 चक्कर मिल रहे हैं इंजन के 1840 चक्कर में, अगर इंजन के चक्कर में 1840 की जगह में 1350 में आपको 540 दूँ तो क्या होगा? डीजल की बचत। इसका मतलब 400 से 500 इंजन के आरपीएम के चक्कर आपके बचत एक मिनट में होगा, मतलब हर घंटे 0.25 लीटर से लेकर 1 लीटर तक
आपको डीजल की बचत होगी। तो सीज़न में होता क्या है कि आप 20 दिन 40 दिन वाटर पंप चलाते हो जहाँ पडलिंग चलती है, दिन में अगर 10 घंटे चला रहे हो आप तो घंटे में 1 लीटर की बचत है, तो दिन में आपका 10 लीटर डीजल की ही बचत होगी। तो सोचिए अगर 20 दिन कंटिन्यूसली ट्रैक्टर आप इस्तेमाल कर रहे हो पीटीओ की इस्तेमाल के लिए, वो भी अल्टरनेटर चला रहे हो, तो 20 दिन के लिए आपका करीब करीब 200 लीटर डीजल की बचत होगी। तो अगर सोचिए ऐसे ही आपको दो दो सीज़न आ रहे हैं तो करीब करीब 400 लीटर डीजल की भी आपकी बचत हो सकती है अगर ट्रैक्टर के अंदर ड्यूअल स्पीड पीटीओ उपलब्ध है तो। अभी हम बात करेंगे MRPTO, इसका मतलब है मल्टी स्पीड रिवर्स पीटीओ। जैसे कि आपके स्क्रीन में दर्शाया गया है, आप पीटीओ सिलेक्शन लीवर को आगे की तरफ करते हो तो आपको 540 चक्कर प्राप्त होते हैं, वही पीटीओ सिलेक्शन लीवर आप पीछे की तरफ करते हो तो पीटीओ की जो स्पीड है वो गियरबॉक्स के थ्रू जाने लगेंगे और मल्टी स्पीड आपको प्राप्त होते हैं। इसका मतलब जैसे आप गियर बदलोगे वैसे पीटीओ की स्पीड भी अलग अलग आपको प्राप्त होते हैं। तो आइए दोस्तों ट्रैक्टर के ऊपर चलते हैं, ये मल्टी स्पीड पीटीओ कैसे इस्तेमाल करना है और इसका सही फायदा किसान भाई कैसे उठा सकता है वो आपके स्क्रीन पे। MRPTO होता है पहले दूसरे तीसरे चौथे अलग अलग गियर में अलग अलग पीटीओ की स्पीड प्राप्त करना, कम इंजन की RPM में ज़्यादा RPM लेके आप फायदे उठाना, और दूसरा कोई फंसी हुई चीज़ है उपकरण में पीटीओ के उल्टे घुमा के रिवर्स गियर डाल के वो फंसी हुई चीज़ को बाहर निकालना। तो ये सारे फायदे हैं MRPTO के। तो ये ऑपरेट कैसे करते हैं उसकी जानकारी लें। पहले देखिए MRPTO का सिलेक्शन लीवर इस तरफ होता है, जब इस लीवर को आप पीछे की तरफ करोगे तो ये MRPTO से एंगेज हो जाता है, अगर आपने इसको आगे की तरफ किया तो न्यूट्रल और आगे की तरफ किया तो 540। तो अभी MRPTO के लिए हम इसको पीछे की तरफ करेंगे और रेंज सिलेक्शन लीवर को हम न्यूट्रल करेंगे ताकि ट्रैक्टर स्टेशनरी में हम इसका फ़ायदा उठा सकें। अभी ट्रैक्टर चालू करेंगे और ये है मेन गियर लीवर, इसके अंदर आपको 1, 2, 3, 4 और रिवर्स गियर मिलेंगे। मेन गियर लीवर में जब आप पहला गियर डालते हो तो 400 के करीब पीटीओ के RPM मिलेंगे, दूसरा डालते हो तो 570 के करीब RPM मिलेंगे, तीसरा डालते हो तो 950 के करीब आपको RPM मिलेंगे, चौथा गियर डालते हो तो 1300 के करीब आपको पीटीओ के चक्कर मिलेंगे, जब आप रिवर्स गियर डालते हो तो 610 के करीब आपको पीटीओ के उल्टे गियर में RPM मिलेंगे। MRPTO की अगर फ़ायदे की बात करें तो देखिए कई बार ऐसे होता है कि कोई बोलता है कि हाँ मेरे यहाँ अल्टरनेटर पड़ा है या पंप पड़ा हुआ है या कोई भी पीटीओ चालित उपकरण को चलाने के लिए बुलाएंगे, तो कई बार ऐसा होता है कि आपको बेल्ट और पुली की अरेंजमेंट चेंज करना होता है और कई बार वेल्डिंग भी करानी पड़ती है। MRPTO में ये सब करने की नौबत नहीं आएगी, उपकरण लगाओ और अलग अलग गियर लगाओ और उसको सिंक कराओ तो मिनटों में कोई भी उपकरण ये ट्रैक्टर चला लेगा। ऐसे ही नहीं, भविष्य में आने वाले सारे नए उपकरण भी इसमें चलने के लिए रेडी है। और साथ ही साथ अगर बताएं दूसरे फायदे MRPTO में, देखिए जब चौथे गियर में डालोगे तो 1300 का RPM दे रहा था, तो सोचिए अगर आप अल्टरनेटर चला रहे हो तो 540 चक्कर जो नॉर्मल ट्रैक्टरों में क्या होता है आपको 1500 से 1800 RPM रखने पड़ेंगे उसको चलाने के लिए, मगर इस ट्रैक्टर में आपने चौथा गियर डाला और इंजन के चक्कर आपने पूरे ही कम कर दिए, 800 चक्कर दे दिए, तो आपको पूरा ही यहाँ अल्टरनेटर चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो फ़ायदा डीजल की बचत, घंटे में आप करीब करीब 1.5 से 2 लीटर बचाओगे। सोच लीजिए अगर 10 घंटे पूरे ही चल रहे हैं धान की खेती के अंदर, आप पानी बहा रहे हो अल्टरनेटर चला के पंप से, तो 10 घंटे के अंदर आप करीब करीब 20 लीटर तेल बचाओगे। तो अगर 10 दिन ऐसे ही चला रहे हो तो देख लीजिए 200 लीटर का तेल आपका महीने का बचत, अगर 2 सीजन में चला रहे हो तो 400 लीटर सालाना आपका बचत है। यही नहीं, अगर रिवर्स पीटीओ का फ़ायदा अगर बात करना चाहें तो कई बार आप रिपर या थ्रेशर चला रहे हो और उसमें ज़्यादा घास फंस गया तो आपको उस थ्रेशर को खोलना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा, कई आधा घंटा या पौना घंटा भी लग सकता है, मगर इस ट्रैक्टर में आपने रिवर्स गियर डाला, फंसी हुई चीज़ को मिनटों में बाहर निकाल दिया और काम चालू कर दिया, तो दिन में आप ज्यादा काम करोगे और ज्यादा कमाओगे। जो अगला क्लासिफिकेशन है हम उसको बोलते हैं ग्राउंड स्पीड पीटीओ। अगर आप जानना चाहोगे तो भारतवर्ष में ये स्पीड आजकल अभी आ रहा है, ग्राउंड स्पीड आप जानना चाहते हो
ट्रैक्टर व्हील के जो स्पीड है उसके अतिरिक्त आपके पीटीओ का भी स्पीड लगभग सेम होता है, क्योंकि ये ग्राउंड व्हील का स्पीड ले लेता है, इसलिए पीटीओ को बोलते हैं ग्राउंड स्पीड पीटीओ। इसको इस्तेमाल करने के लिए एक छोटा सा लीवर दिया जाता है। जैसे आप इसको ऊपर करते हो तो नॉर्मल आपको 540 चक्कर मिलेंगे, बीच में न्यूट्रल, और जब लीवर को आप नीचे दबा देते हो तो आपको ग्राउंड स्पीड पीटीओ मिलने चालू हो जाते हैं। जैसे कि आप सोच रहे होंगे ये ग्राउंड स्पीड पीटीओ मुझे कहाँ फ़ायदेमंद होगा, ये जैसे कि आजकल उपकरण आ रहे हैं पीटीओ ट्रॉली, मतलब ट्रॉली के अंदर जो पहिए हैं उसके अंदर भी आपको अगर ड्राइव चाहिए, पावर चाहिए, तो ये ग्राउंड स्पीड पीटीओ आसानी से वहाँ पीछे आपको सप्लाई कर सकता है। इसके लिए हम एक अलग सा लिंक नीचे पेस्ट किया हुआ है, आप ज़्यादा जानकारी के लिए उस लिंक पे क्लिक भी कर सकते हैं। आइए दोस्तों, ये ग्राउंड स्पीड पीटीओ कैसे काम करता है ट्रैक्टर के ऊपर जाके देखेंगे। आज हम बात करेंगे एक खासियत फीचर के बारे में, वो है ग्राउंड पीटीओ। हम अभी ट्रैक्टर का पीछे की तरफ से खड़े हैं, बाकी हम ऑपरेट करके आपको दिखा सके। इससे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे लीवर इसका कैसे रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑपरेटर सीट का लेफ्ट साइड में आपका एक स्टिकर दिखेगा फेंडर पे, ये है ग्राउंड पीटीओ का स्टिकर, ये है ऑपरेटिंग लीवर। ये लीवर को ऊपर करने से आपको 540 स्टैंडर्ड आरपीएम मिलेगा, बाकी आप रोटावेटर थ्रेशर वगैरह चला सकते हैं। यहाँ पे एक सिंबल है नीचे की तरफ, इसका मतलब है ये लीवर को नीचे की तरफ से दबाने से आपको ये ग्राउंड पीटीओ के साथ एंगेज हो जाता है। हम देखेंगे अभी ट्रैक्टर के ऑपरेट करके इस फीचर की डेमोन्स्ट्रेशन। अब हम देखेंगे इस लीवर के ऑपरेशन, ये न्यूट्रल पे है। अभी लीवर को ऊपर खींचने से ये होता है 540, और नीचे एक स्टेप है ये न्यूट्रल है, और नीचे और एक स्टेप है ये है ग्राउंड पीटीओ। अब हमने लीवर को एंगेज किया, अब ट्रैक्टर को गियर पे लगा के मूव करके देखते हैं। जब ट्रैक्टर चलता है तो पीटीओ स्पीड भी घूमता है। अभी देखिए पीटीओ घूम रहा है, अभी दूसरे गियर पे हम चला रहे हैं, अभी और दूसरे गियर पे। अभी देखिए ट्रैक्टर रिवर्स पे आ रहा है तो पीटीओ भी रिवर्स पे घूम रहा है। ये आप देख सकते हैं। ये है ग्राउंड पीटीओ का फंक्शन। ओके, गाड़ी को आप जिस स्पीड से चला रहे लगभग उसी स्पीड में पीटीओ भी चलता है। अगर रिवर्स में ले रहे तो रिवर्स में, आगे जा रहे तो आगे। ये कहाँ काम में आता है, जो पीटीओ चालित उपकरण इंप्लीमेंट्स होता है ट्रॉली, उसमें ये बहुत कामयाब। थैंक यू। जैसे कि दोस्तों हमने क्लासिफिकेशन के अनुसार स्प्लाइन के हिसाब से जानकारी ले ली, स्पीड के हिसाब से भी जानकारी ले ली, अभी जो लास्ट क्लासिफिकेशन है वो ऑपरेशन के हिसाब से, इसको जानने की कोशिश हम अभी करेंगे। जो बेस्ड ऑन ऑपरेशन है, जैसे कि आपके ट्रैक्टर में अगर सिंगल क्लच है तो इसका मतलब ये ट्रांसमिशन पीटीओ, मतलब जैसे ही ड्राइवर क्लच दबाता है ट्रैक्टर अगर खेत में चल रहा है तो रुक जाता है, साथ ही साथ पीटीओ भी अगर चल रहा है तो वो भी रुक जाता है, क्योंकि ये ट्रांसमिशन से लिंक्ड है इसलिए इसको ट्रांसमिशन पीटीओ के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा जो लाइव पीटीओ है वो आपको प्राप्त होता है ड्यूल क्लच के अंदर, जैसे कि एक ही पेडल में दोनों ही क्लच प्लेट ऑपरेट होते हैं, पहला क्लच प्लेट होता है ट्रांसमिशन का और दूसरा क्लच प्लेट होता है पीटीओ का। जब आप आधा क्लच दबाते हो तो ट्रैक्टर अगर खेत में चल रहा है तो रुक जाता है, मगर पीटीओ चल रहा होता है इसलिए इसको लाइव पीटीओ के नाम से भी बुलाया जाता है। तीसरा जो क्लासिफिकेशन है उसको हम बोलते हैं IPTO, इंडिपेंडेंट पीटीओ, जैसे कि उसके नाम में ही उसका काम है। पीटीओ क्लच का लीवर अलग से दे दिया गया है, जैसे कि एक क्लच प्लेट आपके पैडल में मिल जाता है ट्रांसमिशन के लिए और दूसरा क्लच प्लेट एक IPTO लीवर से ऑपरेट होता है। आइए दोस्तों, ये IPTO लीवर कैसे काम करता है और इसका फायदा अपना किसान भाई सही से कैसे उठा सकता है ट्रैक्टर के ऊपर जाके देखेंगे। बात करेंगे IPTO क्लच लीवर के बारे में। पीटीओ क्लच जो है वो अलग से हमने एक IPTO लीवर दिया हुआ है इधर, तो जब भी ये IPTO लीवर पीछे की तरफ है तो एंगेज रहेगा तो आपका पीटीओ चलता रहेगा।
और जब भी आप ये IPTO लीवर आप आगे की तरफ करोगे तो PTO चलना रुक जाएगा क्योंकि क्लच डिसंगेज हो जाता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट PTO क्लच लीवर। इसको इंडिपेंडेंट क्लच लीवर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है अपना ट्रांसमिशन क्लच से, उसकी ऑपरेशन अलग और इसकी ऑपरेशन अलग। अभी इसकी ऑपरेशन की मैं बात करूंगा। अगर ट्रैक्टर में MRPTO भी है, 540 भी है, तो ये जो IPTO लीवर है ये काम करेगा केवल 540 स्टैंडर्ड PTO RPM पे। MRPTO पे ये काम नहीं करेगा क्योंकि MRPTO तो गियरबॉक्स के अंदर से जाता है, तो आपका मेन क्लच ही काम करेगा। मगर जो 540 स्टैंडर्ड आप इस्तेमाल करोगे ज़्यादातर, उसके लिए ये बना है IPTO क्लच लीवर। आइए इस PTO क्लच लीवर को कैसे ऑपरेट करते हैं और इसके फायदे क्या हैं जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया था IPTO क्लच लीवर कैसे ऑपरेट करेगा, पहले आपको ध्यान रखना है ये जो PTO सिलेक्शन लीवर होता है ये आगे की तरफ रहे। जब ये आगे की तरफ रहेगा तो 540 स्टैंडर्ड RPM आपको पीछे मिलेंगे और IPTO क्लच उसी पे काम करेगा। उसके बाद आप ट्रैक्टर को चालू कीजिए। देखिए अभी PTO घूम रहा है, IPTO क्लच लीवर पीछे की तरफ है। जब मैं IPTO क्लच लीवर आगे की तरफ करूंगा तो क्लच रिलीज हो जाता है और PTO घूमना बंद कर देता है, और वैसे ही जब मैं इस क्लच लीवर को पीछे की तरफ करूंगा तो क्लच एंगेज हो जाता है और PTO घूमना स्टार्ट हो जाता है। तो जब भी आप ये IPTO क्लच लीवर ऑपरेट करना चाहेंगे एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, आप डायरेक्टली इस डंडे को आगे की तरफ धक्का दोगे तो ये ऑपरेट नहीं होता है क्योंकि इसके अंदर एक छोटी सी सेफ्टी लॉक दी गई है। तो आप इस लॉक को हल्का सा ऊपर उठाओगे, फिर इस लीवर को आगे धक्का दोगे तभी यह ऑपरेट होगा। और फिर से जब भी इसको एंगेज करना चाहोगे फिर से इस लैच को आप ऊपर उठाओगे, फिर पीछे की तरफ इसको ले जाओगे और लॉक कर दोगे। तो दोस्तों अभी बात करेंगे ये IPTO क्लच लीवर का फ़ायदा क्या है ड्यूअल क्लच के अतिरिक्त। ड्यूअल क्लच में होता क्या है, अगर आप अलग से PTO को रोकना चाहोगे ट्रैक्टर चलते रहना चाहिए तो वो असंभव है। क्योंकि देखिए जब आप PTO को रोकना चाहोगे तो क्लच पेडल दबाओगे तो पहले ट्रैक्टर रुक जाएगा और पूरा दबाओगे तभी जाके PTO रोकेगा। मगर IPTO में होता क्या है, आपको क्लच पेडल की इस्तेमाल ही नहीं करनी है, डायरेक्टली आप IPTO लीवर आगे की तरफ रुक दो, PTO रुक गई, अब IPTO लीवर पीछे की तरफ कर दो और क्लच एंगेज होगी और PTO चलने लगा। तो ये सारे ही काम जैसे PTO चालित काम जैसे कि रोटावेटर रीपर के कामों में सक्षम है। इसके अलावा बड़े उपकरण जैसे कि हार्वेस्टर, जहां ट्रैक्टर को आप ऊपर माउंट करके चलाते हो, उसमें बहुत फ़ायदेमंद होगा और बहुत टाइम और तेल भी बचाएगा। कैसे, जब हार्वेस्टर पे ट्रैक्टर माउंट करके चला रहे हो तो एकदम से ऐसे टाइम आता है कि आपको कटर बार को रोकना पड़ता है, कुछ फंस गया और ट्रैक्टर को खेत से एकदम से निकालना भी पड़ता है। तो उस टाइम में आप इस IPTO क्लच लीवर को आगे करो, ट्रैक्टर चलती रहेगी मगर कटर बार रुका रहेगा, अपना काम करो, फिर जब चालू करना है IPTO लीवर पीछे करो, कटर बार भी स्टार्ट हो जाएगा। आने वाले समय में ऐसे ऐसे उपकरण आ रहे हैं जहां पर आपको IPTO लीवर का बहुत उपयोग होगा और बहुत फायदेमंद भी होगा। तो दोस्तों आज का जो एपिसोड था वो PTO टेक्नोलॉजी के ऊपर था और ये आखिरी एपिसोड था ट्रैक्टर टेक्नोलॉजी सीरीज के अंदर। तो आशा करते हैं कि आपने ये सातों एपिसोड के अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, बहुत सारा नॉलेज डाउनलोड किया होगा और जब आप ट्रैक्टर खरीदने जाओगे तो कौन सी टेक्नोलॉजी कौन सा उपकरण के लिए फ़ायदेमंद होता है और आप सही ट्रैक्टर चुन सकते हैं। यही नहीं दोस्तों, हमने ये भी देखा हुआ है आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, इसको देखते हुए हमने सोचा है स्पेशल एपिसोड रिलीज़ करने का और वो एपिसोड का टॉपिक मैं अभी नहीं बताऊंगा। तो अगला स्पेशल एपिसोड आप जानना चाहते हो कौन सा टेक्नोलॉजी के ऊपर होगा तो आप अगले शनिवार को इसी टाइम पर इसी चैनल पर देख सकते हो। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो आपके दोस्तों को और बहुत सारे किसानों को शेयर कीजिए ताकि ये सारी नॉलेज और टेक्नोलॉजी सीरीज़ का फ़ायदा वो ज़रूर उठा सकें। और ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हाँ बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, आने वाले स्पेशल एपिसोड को आप मिस ना करें। धन्यवाद।